Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shivai baby. Happy birthday. Hi guys. आज शिवाय बेबी का हैप्पी बर्थडे. और बर्थडे सेलिब्रेशन हम आज घर पर ही कर रहे हैं. इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करना अभी बाकी है. वो भी क्या दिन थे ना, रेडी होते थे, बढ़िया बाहर जाते थे और सेलिब्रेट करके आ जाते थे. और उसमें भी रेडी होने के लिए हम कितना टाइम लगाते थे, पर कोरोना ने तो जैसे सब कुछ ख़त्म ही कर दिया है. लास्ट ईयर जो शिवू का बर्थडे था ना, इतनी धमाल, इतनी मस्ती की थी हम लोगों ने, और सिर्फ रेडी होने में इतना टाइम लगाया था जिसकी वजह से हम लोग घर पर ही लॉक हो गए थे. नहीं, ये हुआ, ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मैं, मेरी भाभी और भाभी की सिस्टर है उपासना, जो मेरी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है और अभी सुन रही होगी वीडियो तो देख के बहुत हंसने वाली है. क्योंकि हम लोगों को रूम पर लॉक करके सारे लोग चले गए थे होटल. हुआ ये था कि हम लोग रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे थे. ऑब्वियसली यार, गर्ल्स रेडी होने में टाइम लगाती ही हैं. तो सब आ रहे थे कि तुम लोग कितना टाइम लगा रहे हो, जल्दी रेडी हो, जल्दी रेडी हो. तो उन्होंने बोला 5 मिनट रुको करके टाइम हो गया. ऐसे में भैया, बड़े वाले भैया आए, फिर छोटा वाला आए, सभी लोग आए बुलाने के लिए. वो उन लोगों को लगा कि शायद हम लोग चले गए होंगे, क्योंकि हम लोग एक लास्ट में रूम में तैयार हो रहे थे और नीचे सब लोग थे, आजू बाजू रूम में कोई भी नहीं था. फिर ऐसे ये लोगों को लगा कि शायद सभी लोग जा चुके हैं, तो लॉक वॉक किया घर और चले गए. और हम लोग मस्त आराम से रेडी हो रहे हैं कि चलो यार, अच्छा है, टाइम मिल गया अभी. और अभी तक कोई बुलाने भी नहीं आया है. और जब रेडी हुए हम लोग, तो फिर जैसे ही नीचे एंटर हुए तो एकदम से देखा, इतना एकदम शांति है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही. कहाँ गए सारे लोग? फिर थोड़ा और आगे जब मेन डोर पर गए तो सॉफ्ट, क्योंकि वहाँ पर लॉक था. हम लोग इतना घबरा गए, यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया. और आपको पता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी, बर्थडे बॉय हमारे साथ था. फिर और वहाँ पर भी किसी को नहीं पता अभी तक कि बर्थडे बॉय नहीं है, बर्थडे बॉय की बुआ, मासी, मामा कोई भी नहीं है. फिर कॉल किया वहाँ पर, तो फिर वहाँ से मम्मी बोलती है, क्यों तुम लोग आए नहीं क्या अभी तक, हमें तो लगा कि तुम लोग यहीं गए होंगे. तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग घर पर हैं. ऐसे फिर बोलती हैं वो भी कि ठीक है, रहो घर पर ही, क्या है, वेट करो. फिर 1 घंटे हम लोगों ने वेट किया, उसके बाद फिर भैया लेने आए. और उसमें भी वो बोलते हैं कि यदि शिवू नहीं होता ना, तुम लोगों को लेने ही नहीं आते, तुम लोग घर में ही रहते और हम लोग सेलिब्रेट करके आ जाते. फिर ऐसे करके, खैर वो मजाक कर रहे थे. और फिर हम लोगों को लेने आए. फिर फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचे तो सारे गेस्ट सब लोग आ चुके थे. फिर केक कटिंग की, बहुत मस्ती की, डांस किया, फुल डे बहुत एंजॉय किया था. लास्ट ईयर शिवू का बर्थडे जो था बहुत अच्छा था. वही मैं याद कर रही हूँ आज सुबह से कि अब इतनी सारी प्रिपरेशन करना है, पूरा रूम डेकोरेट करना है. बैलून्स तो सबसे ज़्यादा, आपको भी पता है ना, बैलून को फुलाना कितना बड़ा काम होता है, वो करना अभी बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है तो करना है. लेकिन आज हमें सब घर पर ही करना है, कोरोना ने सबको सब कुछ सिखा दिया है. इसलिए अभी पूरा करेंगे और फिर धमाल भी करेंगे. यार ऐसा नहीं है, घर पर भी हम बहुत मस्ती कर सकते हैं. शिवाय बेबी का डांस बहुत अच्छा होने वाला है आज, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए. और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल जाती हूँ और आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाता है, बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे. तो चलिए फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. बच गए. कैसे करके?
बलून फुलाना मीन्स पता नहीं दुनिया का कौन सा काम करना होता है, लेकिन इतनी देर से करने के बाद अभी सिर्फ कितने बलून हुए हैं। बेटू क्या कर रहे हो बेटू, बस बोलो हेलो हाय तो बोलो। मैं बुला रही हूँ ये वापस, शिवू क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से बुला रही हूँ ना ये वापस से वैसा हो जा रहा है। क्या हो गया यार ये, ये वाला नहीं भूल रहा। बलून फुलाए हैं, बहुत मेहनत का काम किया है, जस्ट जोक यार, सब बलून फुलाने में लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगती है तो वो की है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है हमारा डेकोरेशन। फिर बस और भी काम तो है नहीं, डेकोरेशन का काम ही था मेरा, खाने का पूरा मम्मी और भाभी किए हैं, और डेकोरेशन का मेरा था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर ओनली वन आवर हम करते हैं केक कटिंग, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ केक कटिंग के टाइम पर, जब तक मैं रेडी भी हो जाती हूँ। केक बनाना
एक जला लो फिर बोल करती हूँ नहीं बैठ खा लू भैया नहीं बैठते गए जाओ बात कर लेती हूँ और डिनर में आज क्या क्या है ये दिखाती हूँ मैं आपको एक सेकेंड। ये देखिए डोसा इडली सांभर चटनी ये सारा कुछ बना हुआ है आज शिवाय बेबी के बर्थडे पर स्पेशल डिनर है स्पेशल लंच भी था वो सॉरी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई एक्चुअली दिन में तो आप लोगों को पता है ना मैं कितना बिजी थी डेकोरेशन करने में ये सारा डेकोरेशन जो है ये सब करने में बिजी थी इसलिए आप लोगों के साथ लंच नहीं शेयर कर पाई तो चल डिनर शेयर कर देती हूँ और जल्द मैं आप लोगों के साथ ये डोसा इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मम्मी मेरी बहुत क्रिस्पी डोसा बनाती है और मुझे पता है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। एंड आज का ये ब्लॉग शिवाय बेबी का बर्थडे उसका डांस उसकी मस्ती अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए देन बेल आइकॉन को हिट करना नहीं भूलिएगा उससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।